हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एमपीपीएससी एमपीएसआई महिला पर्यवेक्षक पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों आप सभी हमारी लाइव क्लास को अटेंड जरूर करें, हमारे वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों एक आवश्यक सूचना, अगर आप अनअकैडमी पर लकी सर की क्लास देखना चाहते हो बच्चों तो आप रोज़ रात को 9 बजे ऑनलाइन आ जाया करो लकी सर आपके अनअकैडमी पर। बच्चों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, रोज डेली 50 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं बच्चों अनअकैडमी पर। बच्चों तो आप सभी लकी सर की अनअकैडमी पर क्लास जरूर देखें। मेरे प्रिय छात्रों बच्चों, आप सभी अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें, सिलेक्ट योर गोल करेंगे एमपीपीएससी व्यापम, कोड पूछेंगे बच्चों, कोड डाल देना आप सभी लकी सर, ठीक है। मेरे प्रिय छात्रों रात को 9 बजे ऑनलाइन आ जाया करो, लकी सर आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे एमपीपीएससी एमपी पुलिस पटवारी पीवी व्यापम के सभी एग्जाम को लेकर बच्चों टॉप एमसीक्यू रहेंगे। बच्चों रात को 9 बजे अभी हम एमपी पुलिस एग्जाम परीक्षा की सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी 9 बजे वाली क्लास में आएँ। मेरे प्रिय छात्रों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लकी सर की अनअकैडमी की प्रोफाइल की लिंक है, आप सभी लकी सर को फॉलो करें, आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे प्रिय छात्रों आप सभी को बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन इंपोर्टेंट पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। मेरे प्रिय छात्रों अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सभी सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज करना है बच्चों लकी सर। तो मेरे प्रिय छात्रों आप करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मेरे प्रिय छात्रों इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें। अब हम आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर जानते हो आप जल्दी कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। नोट कर लें मेरे प्रिय छात्रों, 16 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, परमार राजा भोज ने बनवाया था चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, कोई बताएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रॉमिस करो बच्चों आप में से यहाँ पे कोई भी गलत आंसर नहीं देगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नोट कर लें। कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की भाषा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। कोई भी बालक यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लें। कौन सा प्रदूषण बच्चों नोक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आता है। कोई भी बालक यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा क्वेश्चन नंबर 18। समय स्टार्ट होता है बच्चों आपका, अब नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर, कोई भी बालक यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लें। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। नोट कर लें मेरे प्रिय छात्रों, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। कोई भी छात्र यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लें, आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। 20 का नोट कर लें बच्चे, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका 2014 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लें। औद्योगिक विकास केंद्र मामौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्रिय छात्र बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप में से कोई भी गलत आंसर नहीं देगा 21 का नोट कर लें। यहाँ पे आपका औद्योगिक विकास केंद्र मामौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पर 22। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था,
आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताओगे 22 का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका 1856। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 23। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे, कोई बताएगा यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट होता है आपका अब, 15 सेकंड का समय रहेगा आंसर देने के लिए। नोट कर लें बच्चों, ऋग्वेदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे बच्चों, नोट कर लें, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर 24। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रॉमिस करो सभी छात्र करेक्ट आंसर देंगे। निर्यात उत्कृष्ट शहर मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं बच्चों, इसमें से बताएगा 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट होता है आपका अब, 15 सेकंड का समय है बच्चों, आप सभी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दोगे। 24 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, देवास इंदौर। मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताओगे, आपने कितने करेक्ट आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 25। मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप सभी लकी सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें, जिससे कि जब भी लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे हमें तुम्हारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे बच्चे स्क्रीन पर आज का 25। कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, नोट कर लें, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, कोई बताएगा 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। नोट कर लें, 25 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा आपका, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रॉमिस करो सभी छात्र यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, कोई बताएगा 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, इंदौर। नोट कर लें यहाँ पे इंदौर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर आज का 27। रियो ओलंपिक बच्चे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लें, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज बाधक कौन था, क्वेश्चन नंबर 27। समय स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दोगे करेक्ट आंसर क्या होगा। रियो ओलंपिक 2016, डी आंसर बच्चे यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, अभिनव बिंद्रा। बच्चों 2021 में रियो ओलंपिक हुआ आपका टोक्यो में, आप में से कोई बताना है टोक्यो में रियो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज बाधक कौन था बच्चों 2021 में, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओगे, ठीक है। आपके लिए भी कुछ वर्क दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का कौन सा क्रम है, क्वेश्चन नंबर 28। आंसर जानते हैं बच्चों, आप सभी कमेंट करके बताओगे 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, तीसरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लो, अगर एग्जाम में आता है आप में से कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर आज का 29। कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नोट कर लें मेरे प्रिय छात्रों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब आप लोग वीडियो के लास्ट में बच्चों स्कोर बताओगे, आपने कितने करेक्ट आंसर दिए। IAF, नोट कर लें, IAF का मुख्यालय कहाँ पर है, कोई बताएगा 30 का यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट कर देते हैं आपका अब, 15 सेकंड का समय रहेगा आप सभी के पास, कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें बच्चों। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा आपका, मोनेको फ्रांस, नोट कर लें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देगा।
मेरे प्रिय छात्रों, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे प्रिय छात्रों, आपको हमारी क्वेश्चन कैसे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओगे। बच्चों, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे मिल जाए। मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओगे आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।